नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रयासरत सभी शिक्षार्थियों का इस विशेष दिशा निर्देशन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। यह कार्यक्रम आप टी सैट के माध्यम से देख रहे हैं। यदि किसी कारणवश आप यह देख नहीं पाते हैं तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, और आपके रचनात्मक सुझाव हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नई जो चीज़ें या फिर जो पुरानी चीज़ें जो उसका जो सम्मेलन है उसे हमें बनाने के लिए हमें सुझाव की सतत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आज हम जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो दूसरी इकाई है उसके कुछ अध्यायों पर आज हम चर्चा करेंगे। खासकर शिक्षण पद्धतियां और विधियां भाग एक हम लोगों ने देखा था, उसकी चर्चा की गई थी। आज शिक्षण पद्धतियां या विधियां भाग दो, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले सत्र में हमने देखा था कि कक्षा कक्ष में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विषय को किस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसे प्रस्तुत करने के कौन कौन सी पद्धतियां हो सकती हैं, कौन कौन सी विधियों को कक्षा कक्ष में अध्यापक अपनाते हैं, अपनानी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो आज उसी के अगले भाग को, यानी शिक्षण पद्धतियां या शिक्षण विधियां आप इसे कह सकते हैं, भाग दो के विषय को आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें एक विधि है प्रोजेक्ट विधि, जैसे कि उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डिवी, किल पैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना विधि है। प्रोजेक्ट विधि को इस नाम से भी जाना जाता है। ऐसे करके दो तीन आपको पर्याय देंगे और उसमें एक पर्याय होगा योजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, यही योजना विधि है। तो ये जो योजना विधि है ये किन लोगों के द्वारा या फिर किन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अमल में लाया गया था या फिर इसकी शुरुआत की गई थी, ऐसे भी प्रश्न आने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जो है अमेरिका के जो महान शिक्षा शास्त्री हैं डीवी, किल पैट्रिक, स्टीवेंसन, इन सारे लोगों के श्रम का यह फल है कि आज प्रोजेक्ट विधि इस विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट विधि होता क्या है, प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है? इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोजेक्ट विधि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। मतलब जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं उसी प्रकार के वातावरण से उपजा हुआ कोई एक सवाल, उस वातावरण से निकली हुई कोई समस्या, उसका जब हम वातावरण में उसका अध्ययन करते हैं तब जो है वह प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आती है। क्योंकि इस विधि में जो है पढ़ाने के लिए सबसे पहले एक समस्या ली जाती है जो अमूमन जो है जो खासकर छात्रों के द्वारा उठाई गई वह समस्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि मानचित्रों को कैसे पढ़ना चाहिए या फिर मानचित्रों को पढ़ाने के कौन से मापदंड होते हैं या फिर मापदंड को कैसे समझा जाए, यह छात्रों के द्वारा अध्यापक के सामने रखा गया एक सवाल है। और इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए जो स्वाभाविक वातावरण कक्षा कक्ष में बना हुआ होता है, उस साधारण कक्षा कक्ष के वातावरण से निकली हुई उत्तरों की जो बातें हैं, उत्तर रूप में निकलने वाली जो बातें हैं, वो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत ली जाती है। इसलिए प्रोजेक्ट विधि को हम लेने के लिए सबसे पहले हमें एक
प्रश्न चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किन किन पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं, किन किन योजनाओं को हम बना रहे हैं, यह है जो है प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत हम लेते हैं। तो इसमें प्रायः जो है एक समस्या ली जाती है जो कि उसी कक्षा के छात्रों द्वारा उठाई जाएगी, फिर उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। छात्रों के द्वारा प्रश्न निर्मित किया जा रहा है, उस प्रश्न के उत्तर को कैसे ढूंढकर निकाला जाए या फिर उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए छात्रों के द्वारा ही योजनाएं बनाई जाती है, उन्हीं के द्वारा इस पर अमल करने की बातें की जाती हैं और योजना को भी वे ही अंजाम देते हैं। इसके लिए स्वाभाविक वातावरण में यह सारा कार्य जो है किया करते हैं। जैसे छात्रों को जब देखिए कक्षा कक्ष में कि वे हमेशा जो है अपनी बात की पुष्टि के लिए अध्यापकों के सामने अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य कितना सही है इसकी वे पुष्टि करने की कोशिश सदैव करते रहते हैं। एक छोटी सी मोटे तौर पर इसे भी हम प्रोजेक्ट विधि ही कह सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर जो है अध्यापक के द्वारा सवाल उठाया जाता है, प्रश्नों के उत्तर जो है छात्र कर लिए जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट विधि में छात्रों के द्वारा ही सवाल पूछे जाते हैं, छात्रों के द्वारा ही सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए एक योजनाएं बनाई जाती है और उस योजना के तहत जो है ये सारा काम जो है चलते रहता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट विधि से हमें इससे हमें क्या तात्पर्य मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है। योजना यानी प्रोजेक्ट विधि को, प्रोजेक्ट विधि वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्व किया जाए, यानी वह एक समस्या मूलक कार्य है। योजना जो है वह एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूरे किया जाता है, पूर्ण किया उसको जाता है, उसको अंतिम रूप दिया जाता है। यानी समस्या का एक कार्य है, समस्यात्मक कार्य है वो, जिस कार्य को हम कक्षा कक्ष के छात्रों के द्वारा ही सॉल्व करने का प्रयत्न हम लोग उसमें करते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट विधि जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात एक विधि है, एक योजना है, वह है डाल्टन योजना। इससे पहले भी हम लोगों ने कहा था डाल्टन किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। मतलब डाल्टन योजना 1912 से और 1915 तक के चले इस कार्यकाल में अमेरिका के डाल्टन शहर में यह सारा कुछ चलता रहा और इसकी जो जन्मदाती हैं वह है कुमारी हेलेन पार्कहर्स ने इसका इन्वेंशन किया था। तो डाल्टन योजना उसे कहते हैं जो कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। कक्षा कक्ष में कई प्रकार के छात्र होते हैं, कुछ छात्रों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है तो कुछ छात्रों की बुद्धि लब्धि औसत से भी कम होती है। इसलिए जो छात्र औसत से भी कम हैं, उन छात्रों के लिए हम किस प्रकार के शिक्षा पद्धतियों का अवलंबन कर सकते हैं, यह भी एक अध्यापक होने के नाते हमें सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि डाल्टन योजना का मुख्य उद्देश्य ही वह है कि कक्षा शिक्षण के समय जो दोष निर्माण हो रहे हैं, जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उन दोषों को मिटाने के लिए हमें कौन कौन से हथकंडे अपनाने होंगे, हमें कौन कौन से विधियों का अपनाना होगा जिसके कारण उस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए इस पद्धति का, इस डाल्टन योजना पद्धति का आविष्कार यहां पर हुआ था। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान
प्रयोगशाला ले लेती है। इसमें जो कक्षा भवन में जो कुछ भी कार्य करने की जो प्रचलित पद्धतियां थी वे अब कक्षा कक्ष में नहीं होती, बल्कि वे जो है प्रयोगशाला में होते हैं, लैब्स में होती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतर्गत संदर्भ ग्रंथ भी होते हैं। मतलब डाल्टन योजना से संबंधित कोई चर्चा हम कर रहे हैं या फिर कोई समस्या जूझ रही है पाठशाला में, तो वहाँ पर एक बात को याद रखना है कि जो समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या का हल करने के लिए कक्षा कक्ष में नहीं बल्कि लैबोरेटरीज में जाकर, मतलब प्रयोगशाला में जाकर इसका समाधान ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिससे हम उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, जो भी मतलब सामग्री है वो पूरा जो है मंगा सकते हैं, रहते भी हैं, उनका उपयोग करके उस कक्षा कक्ष में चल रहे उस समस्या के समाधान का हम उधर निर्वाह करके निकालते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता, उनके कार्यों का संशोधन तथा जांच करता है। मतलब ये अभी प्रयोगात्मक रूप से अगर हमें करना है, समझिए ये कक्षा कक्ष में तो होगा नहीं, बल्कि हम इसके अपनाने के लिए, इसका क्रियान्वयन करने के लिए प्रयोगशाला में चले जाते हैं। प्रयोगशाला में अध्यापक छात्रों की सहायता लेकर, छात्रों की सहायता करता है, उनके द्वारा चर्चा करते हुए, उनके द्वारा नई नई बातों को समझाते हुए, वे जो है एक दूसरे का मदद करते हुए इस डाल्टन योजना को हम लोग अमल में लाते हैं। साथ साथ उन कार्यों का संशोधन तथा जांच भी करता है अध्यापक। अध्यापक डाल्टन योजना का जो विशेषज्ञ होने के नाते जो है वह हमेशा अपने द्वारा किए गए विषयों का संशोधन करते रहता है और जांच भी करते रहता है। वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। डाल्टन योजना में हर विषय से संबंधित जो है एक परियोजना कार्य असाइनमेंट दिया जाता है, और ये जो असाइनमेंट है, यह जो परियोजना कार्य है, यह परियोजना कार्य जो है छात्र को उसके द्वारा किए जाने के लिए दिया जाता है और इसका संशोधन भी किया जाता है। ठीक, उसमें एक वर्ष भर के जितने भी कार्य थे उन सभी को 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य मतलब असाइनमेंट के रूप में उसको दे दिया जाता है। साल भर में जितना भी पढ़ाया गया विषय है, जितने भी पढ़े गए एक्टिविटीज हैं, जितने भी विषय समझाए गए हैं, उन सभी को केवल 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित की जाती है, जो कि असाइनमेंट के रूप में दी जाती है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में जाकर पूरा करते हैं। अब वहां पर उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब इस कार्य को आप यहीं पर बैठकर करना है। कुछ कार्य वहीं पर बैठकर करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ कार्य आप वहां से थोड़ी दूर या कक्षा में या कहीं और जाकर भी आप जो है उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इसमें वही बता रहा है कि निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार भिन्न प्रयोगशाला में जाकर पूरा करता है। कार्य उसके बाद देखिए, कार्य अनवितियों में बटा रहता है। जितनी अनविति का कार्य पूरा हो जाता है उतनी ही उल्लेख उसके रेखापत्र पर किया जाता है। मतलब जितने भी मतलब उसके पास प्रश्न आएंगे, अनवितियों को उसमें बांटा जाता है। जितने अनवितियों को वो कार्य पूरा करेगा, मतलब जितने पन्ने लिखेंगे उतना आपका काम हो रहा है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसलिए जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका भी वहां पर रिकॉर्ड रखा जाता, किन किन समस्याओं को आपने ढूंढ कर निकाला है, कितने समस्याओं को आपने परिष्कृत किया है, इन सभी की चर्चा जो है आपके विशेष ग्राफ कार्ड रेखा पत्र पर जो है वह सदैव करते रहते हैं। यह डाल्टन योजना में चलाई जाने वाली एक विशेष बात है। एक मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके लिए उसके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर रहती है। मतलब आप एक कार्य को जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आपको दूसरा कार्य नहीं सौंपा दिया।
नहीं सौंप दिया जाएगा आपको। यानी यदि आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक पूरे करते हैं तब भी आपको दूसरा कार्य दिया जाएगा। और आपके मतलब इस प्रकार छात्र की उन्नति के लिए जो कार्य किए गए हैं वे जो है आपके किए जा रहे कार्यों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। इसलिए हमेशा जो है डाल्टन पद्धति का उपयोग करते समय देखना है कि कक्षा कक्ष में हम छात्रों को एकत्रित बैठकर भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कह सकते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रूप से भी उसको कर सकते हैं। लेकिन कहीं छात्र इसके नाम पर डाल्टन योजना की विधियों को अपनाते समय किसी दूसरे काम को तो वो नहीं कर रहा है, इसकी भी हमें पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। डाल्टन पद्धति में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उसमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इसमें किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए जाते। निर्धारण निर्धारित समय या निर्धारित विषय या निर्धारित चीज़ों का जो है उसमें उल्लेख नहीं रहता। आप अपनी रुचि के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरह से कार्य करो या कार्य करने की आप जिज्ञासा रख सकते हो। मूल स्रोत जो होते हैं अध्ययन करने के लिए तो उसके कारण उसमें जो है हम स्वावलंबन भी बता सकते हैं। इसलिए वहां पर जो है जब छात्र अपने अनुभव के द्वारा सीख रहा है, जब अपने अनुभव को उसमें इंप्लीमेंट कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है, तो वह कार्य जो है बहुत ही मजबूत होगा, वह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया होगा। क्योंकि उसमें छात्र किसी का देखकर नहीं लिख रहा है बल्कि अपने अनुभवों को वो व्यक्त कर रहा है डाल्टन योजना में। इस योजना के अनेक रूपांतर हुए हैं, जैसे बटेविया, विनेटका आदि योजनाएं, डेक्रोली योजना यद्यपि इससे पूर्व की है फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। यानी बटेविया, विनेटिका आदि जो योजनाएं हैं, ड्रेकोली योजना पद्धति जो है, ये डाल्टन योजना पद्धति के अनेक रूपांतर ही हैं, उसके एडवाइज वर्जन ही है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि ये जो विधाएं होती हैं उसमें निरंतर जो है परीक्षण चलते रहता है। उन परीक्षणों के परिणाम देखने के पश्चात उसमें निरंतर यह बदलाव लाया जाता है कि मतलब यह विधि या यह योजना छात्रों के लिए कितनी उपयुक्त हो रही है, क्या इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उन ड्रॉबैक्स को हम निचली कक्षा से लेकर आगे आने वाली कक्षाओं में उनको न करने के लिए हम कौन कौन से विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों को हम अमल में ला सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। उसके पश्चात है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महाविश्वविद्यालय भी है, इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है, वर्धा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको कुछ लोग जानते हैं। महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बेसिक मतलब बुनियादी शिक्षा भी अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी थी। जब स्वतंत्रता के दौर से हम गुजर रहे थे तब बुनियादी तालीम, वर्धा योजना या बुनियादी तालीम के नाम से यह जानता है, परीक्षार्थी ध्यान दे, बुनियादी तालीम को एक और नाम से पुकारा जाता है। ऐसे भी यदि प्रश्न पूछे जाएं तो आप वर्धा योजना या फिर किसी दूसरे इसका भी देंगे तो उसमें सही आंसर को पिकआउट करना जरूरी है। तो इसमें गांधी जी ने जो देश भर में चलाए जा रहे जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उन आंदोलनों को ध्यान में रखकर, तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखकर हाथ के काम, पहले जो ये किया गया था, निषेध किया गया था कि मतलब प्राचीन देशों का या फिर अंग्रेजों के देशों के जो वस्तुएं हैं उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, तो उसके तहत जो है अपने हाथ से या फिर अपने द्वारा बनाए गए चीज़ों का या फिर वस्तुओं का इस्तेमाल करना इस विधा में या फिर इस योजना में जो है कार्य किया था। इसलिए वर्धा योजना या बुनियादी तालीम में गांधी जी, वर्धा और हाथ के काम, इन तीनों का जो ट्रायंगुलर रिलेशन है वो हमेशा बनाया रहता है। क्योंकि करके सीखना ऑलरेडी हमने सीखा है, उसके साथ साथ हाथ के काम मतलब अपने विद्यालय में जैसे हम पीडब्ल्यूडी वर्क्स बोलते हैं ना,
उस प्रकार के कार्य को बढ़ावा देते हुए छात्रों को स्वावलंबन भी बनाना, नए विषय की जानकारी भी प्राप्त करना और अपनी जो सृजनात्मक शक्ति है उस सृजनात्मक शक्ति का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका जो है इसमें वर्धा योजना में विचार किया गया था। गांधी जी का विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञान होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। यहाँ पर ये अपने जीवन में लाभकारी ऐसी ये बातें हैं, क्योंकि सैद्धांतिक बातें हम जो किताबी बातें हम जो पढ़ते हैं उससे मनुष्य को अहंकार की वृत्ति होती है करके गांधी जी कह रहे हैं। और उनका यह भी कथन है कि जब तक उनका एक प्रगाढ़ विश्वास था, वह विश्वास यह कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। जैसे दसवीं कक्षा में एक कविता है कण कण के अधिकारी, मतलब जहां पर श्रम है वहां पर उस कार्य की पूरी कीमत चुकाई जा सकती है। आज हम देखते हैं कि मतलब कोई भी छात्र जो है अपने हाथ से काम नहीं कर रहा है। सोच विचार करने की भी जो पद्धति है उसमें बदल गया है। यदि आप परियोजना कार्य देते हैं तो सीधे जो है वो अंतरजाल में जाकर निकाल कर आपके सामने फेंक देता है। तो यह जो पद्धति है इस पद्धति को अमल करने से उसमें कुछ हम बदल ला सकते हैं क्या, ये हम आज भी सोच सकते हैं, क्योंकि कालांतर में ऐसी ही विधियां आकर जो है हमें अलग अलग तालीम देकर चले जाने से उसमें के कुछ ही बातें हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा हिम्मत रख सकते हैं। इसलिए वर्धा योजना जो है बुनियादी तालीम के तौर पर जानी जाती है और उसमें यह निश्चित रूप से बताया जाता है कि सैद्धांतिक जो बातें होती हैं उस सैद्धांतिक बातों के कारण व्यक्ति या मनुष्य अहंकारी और निष्क्रिय बना देता है या बन जाता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्तकौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई है। मतलब हस्तकला से संबंधित क्राफ्ट टीचर्स हो या फिर क्राफ्ट मटेरियल हो उसके माध्यम से हम छात्रों को कुछ शिक्षा दे सकते हैं क्या, इस पर जो है हम बच्चों को प्रारंभ से ही एक योजना के तहत बनाकर देने की आदत डालनी चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि मतलब वर्धा योजना आज भी इम्प्लीमेंटेशन में है, जिसे हम पीडब्ल्यूडी वर्क्स के अंतर्गत आता है। मतलब छात्रों के द्वारा बनाए गए ऐसे कोई वस्तुएं होती हैं जिनका अनुसरण हम लोग करते रहते हैं कक्षा कक्ष में या फिर बाहर भी। कुछ छात्रों में जो है मूर्तियां बनाने की कला निहित होती हैं जन्म से ही, कुछ छात्रों को चित्रकारिता में महारत होती है। ऐसे छात्र अपने द्वारा बनाए जा रहे उन विशेषताओं को छात्रों के माध्यम से हो या फिर कक्षा कक्ष के माध्यम से हो या फिर सीधे सीधे बाजार में ही सही, उसका क्रय विक्रय करके भी हम अपने विषय को जो है मजबूत बना सकते हैं। इसलिए आरंभ से ही छात्र को किसी न किसी एक विषय में निपुण बनाने की भी हमें सोचनी चाहिए। और वे कहते हैं जो पहले चरखा लेकर हमेशा कताई बुनाई का काम करते रहते थे वह जो काम है वह लगभग 3/4 भारत देश के वासियों का था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। न तो चरखे हैं न तो चरखा चलाने के जानने वाले लोग हैं। इसलिए यहां पर आते आते जो है बुनियादी तालीम की जो बुनियादी बातें हैं ये बिल्कुल बुनियादी बातें ही हैं, जो 1/3 जो लोग इस कार्य में डूबे हुए हैं उसके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्तकौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। बेसिक शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बुनियादी शिक्षा को जो है उन्होंने इन दोनों बातों को, मतलब छात्रों को हमेशा कुछ बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए और उसके द्वारा दिए गए बातों को हम लोग सबके सामने जो है बता देने चाहिए, ताकि उसकी प्रशंसा भी हो और उसकी तरह कुछ और लोग जो है उसे करने में हाथ बटा दें। तो यहाँ पर उन्होंने दो हस्तकलाओं को बताते हुए बेसिक शिक्षा की प्रमुख कुछ विशेषताएं बताई हैं। वे विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। पहली जो बुनियादी तालीम की जो विशेषता है वह है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। हम भाषा का विकास, उसकी परिभाषाएं,
मातृभाषा, ये सब पढ़ते समय हमने देखा था कि मतलब मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों जरूरी है, इनके ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत से पहले ही जो है उसका हमने चर्चा की थी। इसमें जो विशेषताएं हैं वे हैं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। हालांकि ये 7 से नहीं बल्कि 6 से अब इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, ये ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल में है। हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा, कहीं कहीं पर क्राफ्ट टीचर्स से संबंधित ये कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, कुछ अब पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें छात्रों को जो निरुपयोगी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं से नई नई पुनः उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को बनाने की उनमें एक कला होती है, उस कला को प्रोत्साहन देना। और पहला है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, छात्रों को दी जाने वाली जो शिक्षा है उसकी पद्धति जो है, उसकी विधाएं जो है, वह सबसे पहले छात्रों को उनके मातृभाषा में देनी चाहिए। ये उसके कुछ विशेषताएं हैं, ये उसके कुछ नियम है वर्धा योजना के, या आप कह सकते हैं बुनियादी तालीम के। मातृभाषा के शिक्षण में माध्यम में शिक्षा, हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा और 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क आय अनिवार्य शिक्षा। देखिए, हम सभी को 6 से 14 वर्ष तक आयु के लिए राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है करके पता है, लेकिन सवाल जो है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा अमल में लाया गया था, या फिर कब अमल में लाया गया था, या फिर इसे किस नाम से जानते हैं, या फिर यह किसकी विशेषता है करके भी हम लोग सोच सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है। तब जो है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम योजना, या फिर किसी और नाम से अगर इसको न जानते होंगे तो ये दो नाम जो है उसमें देंगे, आपको उसका उच्चारण या उसका टिक मार्क जो है करना होगा। वर्धा योजना बुनियादी तालीम के अंतर्गत जो चौथी विशेषता है वह है शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। मतलब इसमें एक टारगेट भी रखा गया है कि मतलब शिक्षा स्वावलंबी हो, खुद के पैर पर खड़े रहने की उसमें हिम्मत आनी चाहिए। मतलब कम से कम अध्यापकों का जो वेतन है, जो उनको सैलरीज हम लोग प्रोवाइड करते, तनख्वाह जो देते हैं, वे छात्रों के द्वारा बनाए गए उन वस्तुओं को बेचकर बिक्री से आए जाने वाले आय से नापी जाए। मतलब इतनी आय होनी चाहिए कि उससे छात्र और अध्यापक दोनों की जो बातें हैं वो चलती रहे। इस सिद्धांत का बड़ा ही विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा में से हटा दिया गया। यह जो सिद्धांत था, यह जो तालीम थी, यह जो योजना थी, इसका कई लोगों ने विरोध किया और यह जो है बेसिक शिक्षा से जो है अंत में हट गई। इसका कारण बहुत सारा माना जाता है, क्योंकि यह केवल छात्रों को पढ़ने पर नहीं बल्कि अपने द्वारा किए जा रहे उस विशेष कार्य के प्रति ही रुचि उत्पन्न लाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि छात्र जब कक्षा कक्ष से बाहर बैठकर कोई अन्य काम कर रहा होता है, तब वह जो है हमेशा अपनी पढ़ाई को छोड़ अन्य बातों में, जैसे क्राफ्ट्स की चर्चा हो रही है तो उसी में लगा रहने के उसमें सबसे पहला डर होता है। इसलिए इसे विरोध किया गया और उस विरोध करने के कारण यह जो पद्धति है अब उस रूप में नहीं अपनाई जाती जिस रूप में अपनाने की सिफारिश उन लोगों ने की थी। आज हम पीडब्ल्यूडी वर्क्स करते हैं, सीयूपीडब्ल्यू वर्क्स, माफ कीजिए मैं सीयूपीडब्ल्यू बोलने के बदले पीडब्ल्यूडी कहा था, सीयूपीडब्ल्यू। तो ऐसे बातों को जो है आज भी हम लोग इस्तेमाल लाते हैं, भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा देर से हो, लेकिन उनके उन विचारों को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए उन मार्गों पे ही हम चलने का प्रयास कर रहे हैं जो वर्धा शिक्षण योजना के अनुसार हम लोगों को उन्होंने बताए थे। अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पंगु बना दिया है कि वे हाथ से काम करना है ये मानते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो पाश्चात्य संस्कृति, खासकर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई हुई संस्कृति, अधिकांश शिक्षित वर्ग उनके ऐसे हैं कि यहां पर हाथ से काम करना है ये माना जाता है। अपने द्वारा बनाना है कुछ काम को तो अपने ही द्वारा करते हुए अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो वो उसे जो है ये मानते हैं।
उसको गलत नजर से देखते हुए उसको करते हैं। इसलिए ऐसे कई कारणों से जो है इस विधि का जो है हमको विरोध करना पड़ा। तो वर्धा योजना के अंतर्गत हमने यह सब देखा कि अंग्रेजी शिक्षा ने जो है हमें बिल्कुल पंगु बना दिया है, क्योंकि इसमें हाथ से काम करने को बड़ा है समझा जाता है, लेकिन यह बात गलत है। हम हमारे हाथों से जो काम नहीं कर सकते हैं, जब हम भोजन करने के लिए हे नहीं समझते हैं, तो अपने कक्षा कक्ष में या फिर अपने विद्यालय में चलाए जा रहे कामों को करना हे क्यों समझा जाए। ऐसे अनगिनत कारणों की वजह से जो है उसको आज हम विरोध करना पड़ा था। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई, जिससे यह शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिए रह गई, अतः यह धीरे धीरे असफल होती जा रही है। तो जिनके पास अधिक धन है, जिनके पास अधिक पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को लगने लगा कि हम इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी क्या हमारे बच्चे ऐसे मतलब घटिया काम करेंगे, SUPW जैसे काम करेंगे। तो इस वजह से, ऐसी मानसिकता के कारण आज वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा तालीम को हम अपने पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटाने के लिए देख रहे हैं। तो शिक्षा केवल निर्धन लोगों के लिए ही नहीं और न ही धनिक लोगों के लिए नहीं, शिक्षा का कार्य है सबको उसी रूप में देना जिस रूप में उसका देने का हक होता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अमीर हो तो मतलब दूसरे ये करेंगे, आप गरीब हैं मतलब दूसरा कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं। शिक्षा का विकास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सब लोगों का सर्वांगीण विकास करना। इसलिए बुनियादी तालीम को जो है यहाँ पर नाना प्रकार के लोगों के ताने बाने सुनने के कारण जो है आज उस पद्धति को हम लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, बिल्कुल असफल होते जा रहे हैं उस विषय में। तो एक निष्कर्ष रूप से हम लोग यह कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन से, मतलब ये जितने भी मतलब विधियां हो या पद्धतियां हो, इन सब का हमने जो ये किया था, वाचन किया था, चर्चा की थी, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण विधियां कई सारे हैं। हो सकता है हमने जो ये शिक्षण विधियां देखे हैं उनसे भी कई और भी होंगे। जो मेरा तो प्रयास, मतलब हमारा प्रयास इतना ही रहा कि जितने भी मतलब शिक्षण विधियों का हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, उन सभी के विषयों को थोड़े में ही सही हम उसका विवरण आपको दें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मतलब शिक्षण का वे जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं होता है करके एक बात मन में बैठ जाती है। तो शिक्षण विधियां कई हैं, सबका परिवर्तन होते रहता है, किसी न किसी मतलब परिस्थिति में शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इसको हटा दिया जाता है या फिर किया जा कर दिया जाता है। तो कई सारे शिक्षण पद्धतियों को हम देखते हैं। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी शिक्षा विधि होती है, जिससे वह छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। यह बात बिल्कुल 100% सही है कि हर एक अध्यापक के पास अपनी अपनी एक शिक्षा पद्धति होती है, अ वे ऑफ टीचिंग उसकी अलग अलग होती है। हाँ, मानते हैं कि मतलब इन सभी पद्धतियों को वो जानता तो है, उन सभी पद्धतियों के बारे में वो पूरी जानकारी भी रखता है, लेकिन जब कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन करना होता है तो वो अपने एक विशिष्ट पद्धति का अवलंबन कर छात्रों को अध्यापन कराता है, क्योंकि वो उनकी रुचि, वातावरण, उनकी योग्यता, क्या वे कक्षा कक्ष में पढ़ाए जा रहे भाषा को समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके बेटे को कक्षा में ठीक से नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, यदि वे वहाँ पर कक्षा कक्ष में आकर किसी को कुछ कह दें कि मतलब आपको इस प्रकार की समस्याओं का कैसे हल करना है, कैसे करोगे, तो उन्हीं के सामने हम ये बता सकते हैं कि एक घर की परिस्थिति भी कारण हो सकता है, या सामाजिक वर्ग में वो मिलकर न रहने के कारण भी हो सकता है। ऐसे कई प्रकार के मतलब उसकी योग्यताएँ, अयोग्यताएँ, उसके मानसिक स्वास्थ्य, ऐसे कई परिस्थितियों से जूझते हुए जो है वह कक्षा कार्य में काम करने के लिए चलता है। जो
विविध मतलब जो विधि जिसके लिए अधिक उपयोगी हो वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। हमने जितने भी मतलब विधियों का अध्ययन चर्चा किया था उसमें ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता कि मतलब ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि कक्षा कक्ष के अध्ययन अध्यापन में और इस एजुकेशन सिस्टम में जो है हम यह अभी तक निर्धारित नहीं कर पाए कि मतलब कौन सी विधि छात्र को अधिक लाभकारी होगी या कौन सी विधि में छात्र को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होने में मदद मिलेगी। इसके बजाय उन्होंने कहा जो विधि जिसके लिए जितनी अधिक उपयोगी होती वह उसके लिए उतनी ही सर्वश्रेष्ठ होगी। इसलिए अपने वातावरण को, उसकी आवश्यकता को, समय को, संदर्भ को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर जिस पद्धति का हमें अवलंबन करना है उस पद्धति का अवलंबन यदि हम करते हैं तो वह अपने आप में साबित हो जाएगा। यह जो है इस पाठ का निष्कर्ष के रूप में। उसके पश्चात है प्रत्यक्ष विधि या पद्धति। इस पद्धति को संभाषण पद्धति भी कहते हैं। देखिए संभाषण पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति या फिर प्रत्यक्ष विधि भी इसको कहते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में इस भाषा शिक्षण पद्धति का आरंभ हुआ। भारत में इस पद्धति का आगमन काफी देर से हुआ। देखिए पाश्चात्य देश शिक्षा से लेकर हाँ लगभग वे सभी बातों के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि वे लोग शिक्षा को उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने जीवन मान को। प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष पद्धति जो है, इस पद्धति को संभाषण पद्धति भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में इस भाषा शिक्षण पद्धति का आरंभ हुआ। भारत में इस पद्धति का आगमन काफी देर से हुआ ऐसा माना जाता है। पाश्चात्य देशों में जो शिक्षा से संबंधित जो कार्य है वह उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ दिखाई देता है। उसकी तुलना में यदि हम भारत को लें तो यहाँ पर भाषा से संबंधित या फिर शिक्षण से संबंधित जो नए नए आविष्कार हैं या फिर नई जो योजनाएं हैं वह पाश्चात्य से ली हुई या फिर पाश्चात्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर क्रियान्वित की गई ऐसा माना जाता है। पर ऐसी बात नहीं है, भारत में ही कई ऐसे नए नए शिक्षा पद्धतियों को अवलंबन किया गया था जिनका सफलता से यहाँ पर कार्यनिर्वहन किया जा रहा है, जिसमें सभी को शिक्षा का अधिकार, छात्रों को मध्यान्ह भोजन की सुविधाएं, ऐसे कई पद्धति के जो विशेष कार्यक्रम थे जो केवल भारत के माध्यम से ही सभी को परिचित हुए हैं। तो इस लिहाज से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का अवलंबन करना यह करता है भारत देश, यह कहना थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है। तो प्रत्यक्ष पद्धति में हम आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति का अर्थ होता है जिस ढंग से बालक अपनी मातृभाषा सीखता है उसी तरह बालक एक नई भाषा को सीखें, इसलिए इसे प्राकृतिक पद्धति नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रत्यक्ष पद्धति को प्राकृतिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक पद्धति का एक और नाम क्या है या फिर प्राकृतिक पद्धति और किस नाम से पहचानी जाती है या प्रत्यक्ष पद्धति किस नाम से पहचानी जाती है। तब हमें जो है यदि प्रत्यक्ष पद्धति पूछते हैं तो प्राकृतिक पद्धति करके उत्तर को चयन करना होगा, या प्राकृतिक पद्धति का नाम देते हैं तो प्रत्यक्ष पद्धति का चयन हमें करना होगा। मतलब ये प्रत्यक्ष पद्धति का अर्थ क्या है, तो इसमें दिया गया है जिस ढंग से बालक अपनी मातृभाषा सीखता है उसी तरह बालक एक नई भाषा को सीखे। मातृभाषा का शिक्षण हमें कक्षा कक्ष में जाकर देने की जरूरत नहीं होती है। बालक अपने माता पिता, अपना घर परिवार, इन सभी से अनायास रूप से मातृभाषा सीख लेता है। तो जिस प्रकार से बालक मातृभाषा सीखता है अनायास रूप से, उसी प्रकार बालक एक नई भाषा को सीखना, वह सीख लेना उसमें से कि हम एक अपनी मातृभाषा को छोड़कर एक नई भाषा को मुझे सीखना है, वो सीखें करके प्रत्यक्ष पद्धति इसका प्रमाण बताती है। इससे प्राकृतिक
पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति में विचरित करते हुए अपने आप के अनुभव से एक नई भाषा का ज्ञान करना, यह प्रत्यक्ष पद्धति में आता है। उसके पश्चात यदि हम देखें इस पद्धति का जो उपयोग है, सबसे पहले इसका उपयोग पामर और फ्रिज ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया। इस पद्धति में भाषा की पढ़ाई वार्तालाप द्वारा आरंभ होती है। प्रश्न फिर से ऐसा बन सकता है कि किस पद्धति में भाषा की पढ़ाई वार्तालाप से शुरू होती है। बहुत ही उम्दा प्रश्न बनता है इसमें, बहुत ही अच्छा सा सवाल इसमें बन सकता है कि ऐसी कौन सी वो पद्धति है जिसमें भाषा की पढ़ाई की शुरुआत वार्तालाप से होती है, या फिर प्रत्यक्ष पद्धति में भाषा की पढ़ाई किसके द्वारा शुरू होती है, यह भी एक प्रश्न बन सकता है, या फिर प्राकृतिक पद्धति में भाषा की पढ़ाई कब शुरू की जाती है। ऐसे कई प्रकार के सवाल जो है हम लोग अपने आप से जोड़ सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। एक बात हमेशा एक बात याद रखना है कि जब भी हम प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न का स्वरूप जो है उसे हम अपने आप से ढालने की कोशिश करना है, जिससे कि जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसे पढ़कर हमें ज़्यादा कठिन न लगे। हम भी कठिन से कठिन प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर जो है उसके जो अर्थ को है हम उसमें से लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से ज़रूर फायदा होगा। तो ये जो पद्धति है प्रत्यक्ष पद्धति, इसका सबसे पहला जो उपयोग है वह पामर नामक एक अंग्रेजी भाषा शिक्षक थे और फ्रिज नामक दूसरे एक अंग्रेजी भाषा शिक्षक थे, उन दोनों ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया था। इस पद्धति में भाषा की पढ़ाई एक वार्तालाप द्वारा होती है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब पामर और फ्रिज इन दो शिक्षा शास्त्रियों ने किस पद्धति को सबसे पहले उपयोग में लाया था। प्रश्न फिर से एक बार सुनिए, पामर और फ्रिज नामक अंग्रेजी अध्यापकों ने, अंग्रेजी भाषा शिक्षकों ने किस पद्धति को अपनाया था। आपका उत्तर होगा प्रत्यक्ष पद्धति, या फिर एक और पद्धति के नाम से यह जाना जाता है वह है प्राकृतिक पद्धति। दोनों में से किसी एक को भी आप चयन कर सकते हो। उसके पश्चात व्याकरण अनुवाद पद्धति। व्याकरण हम सभी को पता है, ग्रामर, अनुवाद तर्जुमा करना, ट्रांसलेट करना, इसे परोक्ष पद्धति भी कहते हैं। देखिए परीक्षार्थी, इसमें ऐसे कई पद्धतियां हैं या फिर ऐसे कई विधाएं हैं जिन्हें दो दो या तीन तीन नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी कोई हम प्रश्न बना रहे होते हैं तब ऐसे प्रश्नों का हमें बहुत ही आसानी से और सरलता से और बड़े ही चालाकी से इसका आंसर देना होगा कि वह जो है किस पद्धति से पूछा जा रहा है। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति को जो है एक और नाम से भी जानते हैं, वह है परोक्ष पद्धति। इस पद्धति के द्वारा किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। यह बहुत अच्छी पद्धति है। हम जैसे मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा के माध्यम से यहाँ पर व्याकरण पद्धति में आपको एक नई भाषा का ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए इस पद्धति के द्वारा किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जा सकता है। विद्यार्थी को पहले व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं और व्याकरण अनुवाद जो पद्धति है उसमें सबसे पहले छात्रों को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पत्र था उसमें भाषा से संबंधित बातें तो हम लोग देखते हैं, खासकर जो ग्रामर की बात आती है, भाषा की बात, उसमें ऐसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिनका मतलब हमें ज्ञान नहीं होता है या फिर हड़बड़ी में हम लोग नहीं दे सकते। इसलिए व्याकरण अनुवाद पद्धति के माध्यम से कई सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इसमें इस पद्धति के द्वारा किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है,
यह भाग भी हो गया था। उसके पश्चात एक और पद्धति है, शब्द परिवर्तन पद्धति। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। नई भाषा सीखते समय सभी जगह अनुवाद तथा प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते। यह बात ठान लें कि जब भी कोई हम नई भाषा सीख रहे हैं तब हर समय और जहां पर भी हो वहां पर हम अनुवाद करते हुए नई भाषा को नहीं सीख सकते, या फिर प्रत्यक्ष रूप से जो भाषाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं उसका हम लोग निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नई भाषा सीखते समय भी सभी जगह अनुवाद तथा प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते। बहुत ही कठिन समय में और किसी अन्य पद्धति को अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम अगर रूटीन एक ही सवाल या एक ही प्रकार के अध्ययन कक्षा में अगर कराते रहें तो छात्र जो है ऊब सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मतलब किसी भी अन्य पद्धति को अपनाते हुए हम बहुत ही कठिन समय पर आने सर उसके एक नए बात को हम लोग ध्यान देना है। तो यह जो शब्द परिवर्तन विधि है, अनुवाद तथा प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते इसमें। ऐसी स्थिति में जहां पर हम लोग उस भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में शब्द परिवर्तन विधि के अंतर्गत देखिए यह पद्धति बहुत ही उपयुक्त है। इसमें एक आदर्श वाक्य को चुना जाता है, फिर उसमें एक शब्द मूलाधार बनाकर रह जाता है, अन्य शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग वचन या कारक के द्वारा हो जाता है। शब्द परिवर्तन विधि की जो सैद्धांतिकता हमने पढ़ी वह पढ़कर थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है या फिर वो थोड़ा सा लिंदी लग सकता है, लेकिन यह जो भाषा है इस भाषा को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, इस पद्धति को पहचानने का, वह यह कि उसमें से एक शब्द मूलाधार बनकर रह जाता है, अन्य शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग वचन या कारक के द्वारा हो जाता है। हम सभी को पता है कि मतलब कारक क्या है, वचन क्या है, समास क्या है, हाँ, इन सभी का जो है कालांतर में उसका परिमार्जन होना या फिर दिए गए वाक्य में जो मूलाधार शब्द होता है उसमें लिंग वचन कारक के अनुसार बदल हो जाना, यह भी दृष्टिगोचर होता है। इसलिए यह जो विधि है वह अपने आप में थोड़ी सी विशिष्ट होते हुए भी कम उपयोगी नजर आती है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो मुझे स्कूल जाना चाहिए, यह एक वाक्य है और हमारा नियम क्या था, दिए गए वाक्य में से किसी एक शब्द को हम मुख्य या फिर अपने स्थिर स्थान पर जो है रखें और बाकी का जो है इधर उधर हम लोग मिसप्लेस कर सकते हैं। इस वाक्य में चाहिए शब्द स्थिर रहेगा, चाहिए, मुझे के स्थान पर उसे स्कूल जाना चाहिए, उन्हें स्कूल जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, मतलब एक ही शब्द को हम स्थिर करके रखने से केवल दूसरे शब्द के बदल जाने से उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यह जो है मुझे स्कूल जाना चाहिए, इस वाक्य में देखिए चाहे जो शब्द है वह इच्छार्थक है व्याकरण की अगर हम बात करें, फिर भी तो यहाँ पर जो है कई सारे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति को आदेश विधि भी कहते हैं, फिर से एक नया नाम इसमें जुड़ गया है। शब्द परिवर्तन विधि को और किस नाम से जाना जाता है, शब्द परिवर्तन पद्धति को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आदेश विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आदेश देना। इसलिए यह जो पद्धति है अपने आप में विशिष्ट कहलाती है। उसके पश्चात पाश्चात्य शिक्षक थे डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट का जन्म डॉक्टर वेस्ट ढाका में प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य थे। प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी ट्रेनिंग कॉलेज,
वे प्रत्यक्ष विधि द्वारा अंग्रेजी शिक्षण के विरोधी थे। डायरेक्ट मेथड से जो हम अंग्रेजी का शिक्षण दे रहे हैं छात्रों को कक्षा कक्ष में, उसके डॉक्टर वेस्ट जो है विरोध करते थे, कड़ा विरोध करते थे। इसे नवीन विधि के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम किस नाम से जानते हैं? नवीन विधि, अ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। इस प्रकार हम जो है डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में भी जानते हैं। इनके अनुसार, मतलब डॉक्टर वेस्ट मेथड के अनुसार या फिर डॉक्टर वेस्ट के अनुसार, वाचन, लेखन तथा वार्तालाप की शिक्षा अलग अलग समय में अलग अलग विधियों द्वारा दी जानी चाहिए। मतलब यह एक पाठ में इन तीनों विषयों का साथ साथ अभ्यास कराना अनुचित है। डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि अलग अलग विधियों द्वारा दी जाने वाली जो पाठ्यक्रम है उसमें वाचन, लेखन तथा वार्तालाप की शिक्षा का अलग अलग समय में देना जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रतिभाशाली छात्र, मतलब एक बार अगर कुछ भी दे दें तो उसको तुरंत वो पढ़ने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ाया जाए, बल्कि वह पद्धति गलत है। वह पद्धति जो है उतना अनुचित, उचित नहीं है, अनुचित होगा करके वो बता रहे हैं। इसलिए एक ही पार्ट में इन तीनों विषयों को या फिर इन तीनों विभागों को जो है अभ्यास नहीं कराना चाहिए। एक दिन एक कक्षा में एक ही विषय के बारे में हम जानकारी कराएं। ऐसा नहीं कि मतलब दसों कक्षाओं में दसों विषय जिसके पीछे वो पीछे पड़ा हुआ है वो, ऐसा नहीं। हर दिन कोई एक विषय या दो दिन कोई एक विषय, उसके पश्चात जो गांव में होते हैं वो लोग देखते रहना है। इसलिए माफ़ कीजिए, तो वार्तालाप की जो शिक्षा है अलग अलग समय में देना चाहिए और छात्रों पर जो है हम निगरानी रखनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि मतलब छात्र हमारे द्वारा दिए गए बातों को ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा यदि न होने के पक्ष में, ऐसा न होने के पक्ष में हम जो है उसको थोड़ा सा दिशा निर्देशन करके, उसके स्वाभाविक या भौगोलिक कारण, उसके गांव का माहौल या फिर उसके परिवार का माहौल, सुशिक्षित है या अशिक्षित है, या ऐसे कई कारणों से जो है वो इस प्रकार की हरकतें कर सकता है। इसमें डॉक्टर वेस्ट मेथड के पद्धति को हम लोग अपना सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा सा बोझिल भी नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए हम छात्र को एक ही कक्षा में या फिर एक ही दिन में तीन चार अलग अलग भाषाओं को या फिर तीन चार अलग अलग विषयों को यदि पढ़ाते हैं तो छात्र किसी एक ही विषय में पूरी तरह से समर्थ बनेगा, बाकी अन्य शब्द इसमें जो है वह निरर्थक साबित होगा। इसलिए हम जो है अलग अलग विधियों द्वारा, केवल एक लेखन का हो या फिर वाचन का हो या तथा वार्तालाप का हो, किसी भी बात का हो, हमें जो है एक कक्षा में एक ही बार उसका अध्ययन कराना, सिखाना चाहिए। उसके पश्चात एक पद्धति आती है, गठन पद्धति। इस पद्धति में प्रत्यक्ष पद्धति के सभी गुण देखे जा सकते हैं। जो प्रत्यक्ष पद्धति में हमने चर्चा की थी वे सभी पद्धतियां या फिर वे सभी बातें जो है गठन पद्धति में आती है। क्यों? तो देखिए स्क्रीन पर है। इस पद्धति में प्रत्यक्ष पद्धति के सभी गुण देखे जा सकते हैं। इस पद्धति द्वारा एक नवीन भाषा पढ़ाते समय लिखे गए वाक्य की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें अलग अलग गठन का अभ्यास कराया जाता है। यानी इसमें सबसे पहली बात तो प्रत्यक्ष पद्धति के सभी गुण इस गठन पद्धति में मौजूद हैं। इस पद्धति द्वारा एक नवीन भाषा पढ़ाते समय या लिखे गए वाक्य की ओर ध्यान दिया जाता है, कोई भी विषय हो, तो ये जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है। उसके पश्चात है द्विभाषिक पद्धति। नई भाषा सिखाते समय अध्ययन अध्यापन पद्धति में जो बदलाव या उस पद्धति में जहां दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे मातृभाषा और सीखने की दूसरी भाषा, इसे द्विभाषिक पद्धति। जैसे यदि आप व्याकरण पढ़ लिए होंगे तो मतलब द्विभाषिक, यह कौन सा समास है, समास के अंतर्गत भी हमको जाना है, ठीक है। तो यह जो सिखाते समय जो है अध्ययन अध्यापन कराते समय दो भाषाओं का उपयोग करना चाहिए,
जिसमें एक मातृभाषा हो और दूसरी जो हम सीख रहे हैं, लर्निंग लैंग्वेज एंड मदर टंग, ये दो भाषाएं उसमें हो। यह पद्धति दोनों भाषाओं की समानता और विविधताओं पर निर्भर है। मतलब आप जिन दो भाषाओं को सीख रहे हैं, एक आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा है, और दूसरी सीखने वाली लर्निंग भाषा, तो उन दोनों भाषाओं पर आपका उतना ही प्रभुत्व होना चाहिए, उतना ही कमांडिंग होना चाहिए। यहाँ प्रसंग, उच्चारण, शब्द संगठन या शब्द संग्रह, गठन आदि में समानता और विविधताओं पर विचार किया गया है। मतलब केवल उस भाषा का ज्ञान ही नहीं, बल्कि पूरे शब्द भंडार से लेकर उच्चारण से लेकर गठन तक जो है उसका आप पालन करना ही चाहिए। इसलिए यह जो है द्विभाषिक पद्धति के अंतर्गत आता है। तो इसके अतिरिक्त जो है ऐसे कई सारे पद्धतियां हैं जिनको हम समय अभाव के कारण हम लोग नहीं ले पा रहे थे, तो उसमें है कई सारे उपयोग करते हैं जिनके अतिरिक्त। ध्वन्यात्मक पद्धति, ध्वनियों के माध्यम से, ध्वनियों के परिवर्तनों के माध्यम से भाषाई कौशलों में कैसे बदलाव आता है या फिर भाषा में कैसे बदल दिखाई देते हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। चयन पद्धति, कई सारे वस्तुओं को, छोटे बालकों के लिए यह बता रहे हैं, कई सारे वस्तुओं को चुनकर उनसे जो एक चीज़ होती है, मतलब एक ही कैटेगरी की, एक ही विभाग की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम अलग करने की बात कह सकते हैं। यंत्र पद्धति, यंत्र पद्धति में जो है यह भाषा के विविध अध्यायों को या फिर भाषा विविध आयामों को बढ़ाने में कारगर होता है। सैनिक पद्धति, जैसे एक सिपाही पूरे देश की रक्षा के लिए तैनात होता है और अपने प्राण तक को देने के लिए पीछे नहीं हटता, उसी प्रकार हमें जो है अपने इस भाषा के माध्यम से, सैनिक पद्धति के माध्यम से जो है हमको करना है। इसमें इस प्रकार से भी होता है कि मतलब जैसे सहायता करते हुए किसी नई बात को सीखना, उसके पश्चात अंतिम जो बात है वह है प्रचार, पत्राचार पद्धति। मतलब जैसे हम करस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं, मतलब पोस्टल विभाग से जो है कुछ मटेरियल आता है, हम उसको पढ़ते हैं फिर परीक्षा लिखने चले जाते हैं। ये जो पूरे हैं विश्वविद्यालय विभाग में हो या फिर पाठशालाओं के विभाग में हो, किसी प्रकार के विभागों में पत्राचार व्यवस्था जो है चलती है। तो इस भाग में हमने मेथडोलॉजी, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आने वाली दूसरी इकाई, उसमें खासकर हिंदी भाषा शिक्षण पद्धतियां या फिर हिंदी भाषा विधियां करके यहाँ पर दिया गया है, उसके अध्ययन, उसके कई सारे बातों पर जो है हमने चर्चा की, जो दो विभागों में विभाजित थी, भाग एक और भाग दो। अभी जो हमने देखा वह भाग दो था, जिसमें कई सारे पद्धतियों का अवलंबन करके हम कक्षा कक्ष में अध्ययन अध्यापन का कार्य सरलता से कर सकें, ऐसी बात सीखी। एक नए विषय के साथ हम पुनः आएंगे, तब तक के लिए विराम। मैं पुनः कह दूं कि यह जो कार्यक्रम है आप टी सैट के माध्यम से देख रहे हैं, यदि किसी संभावनावश, जैसे किसी संदर्भवश यह कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और जो सुझाव है वो आप जरूर प्रेषित करिएगा। आपकी सफलता की कामनाओं सहित नमस्कार। नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रयासरत सभी शिक्षार्थियों का इस विशेष दिशा निर्देशन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। यह कार्यक्रम आप टी सैट के माध्यम से देख रहे हैं। यदि किसी कारणवश आप यह देख नहीं पाते हैं तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, और आपके रचनात्मक सुझाव हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नई जो चीज़ें या फिर जो पुरानी चीज़ें, जो उसका जो सम्मेलन है उसे हमें बनाने के लिए हमें सुझाव की सतत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आज हम जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो दूसरी इकाई है उसके कुछ अध्यायों पर आज हम चर्चा करेंगे। खासकर शिक्षण पद्धतियां और विधियां, भाग एक हम लोगों ने देखा था, उसकी चर्चा की गई थी। आज शिक्षण पद्धतियां या विधियां भाग दो, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले सत्र में हमने देखा था कि कक्षा कक्ष में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विषय को किस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसे प्रस्तुत करने के कौन कौन से पद्धतियां हो सकती हैं,
कौन कौन सी विधियों को कक्षा कक्ष में अध्यापक अपनाते हैं, अपनानी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो आज उसी के अगले भाग को, यानी शिक्षण पद्धतियां या शिक्षण विधियां आप इसे कह सकते हैं, भाग दो के विषय को आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें एक विधि है प्रोजेक्ट विधि, जैसे कि उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, किल पैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना विधि है। प्रोजेक्ट विधि को इस नाम से भी जाना जाता है। ऐसे करके दो तीन आपको पर्याय देंगे और उसमें एक पर्याय होगा योजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, यही योजना विधि है। तो ये जो योजना विधि है, ये किन लोगों के द्वारा या फिर किन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अमल में लाया गया था या फिर इसकी शुरुआत की गई थी, ऐसे भी प्रश्न आने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जो है अमेरिका के जो महान शिक्षा शास्त्री हैं, डीवी, किल पैट्रिक, स्टीवेंसन, इन सारे लोगों के श्रम का यह फल है कि आज प्रोजेक्ट विधि इस विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट विधि होता क्या है, प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है? इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोजेक्ट विधि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। मतलब जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, उसी प्रकार के वातावरण से उपजा हुआ कोई एक सवाल, उस वातावरण से निकली हुई कोई समस्या, उसका जब हम वातावरण में उसका अध्ययन करते हैं, तब जो है वह प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आती है। क्योंकि इस विधि में जो है पढ़ाने के लिए सबसे पहले एक समस्या ली जाती है, जो अमूमन जो है, जो खासकर छात्रों के द्वारा उठाई गई वो समस्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि मानचित्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर मानचित्रों को पढ़ाने के कौन से मापदंड होते हैं, या फिर मापदंड को कैसे समझा जाए, यह छात्रों के द्वारा अध्यापक के सामने रखा गया एक सवाल है। और इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए जो स्वाभाविक वातावरण कक्षा कक्ष में बना हुआ होता है, उस साधारण कक्षा कक्ष के वातावरण से निकली हुई उत्तरों की जो बातें हैं, उत्तर रूप में निकलने वाली जो बातें हैं, वो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत ली जाती है। इसलिए प्रोजेक्ट विधि को हम लेने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रश्न चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किन किन पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं, किन किन योजनाओं को हम बना रहे हैं, यह है जो है प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत हम लेते हैं। तो इसमें प्रायः जो है एक समस्या ली जाती है जो कि उसी कक्षा के छात्रों द्वारा उठाई जाएगी। फिर उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। छात्रों के द्वारा प्रश्न निर्मित किया जा रहा है, उस प्रश्न के उत्तर को कैसे ढूंढकर निकाला जाए या फिर उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए छात्रों के द्वारा ही योजनाएं बनाई जाती है। उन्हीं के द्वारा इस पर अमल करने की बातें की जाती हैं और योजना को भी वे ही अंजाम देते हैं। इसके लिए स्वाभाविक वातावरण में यह सारा कार्य जो है किया करते हैं। जैसे छात्रों को जब देखिए कक्षा कक्ष में कि वे हमेशा जो है अपनी बात की पुष्टि के लिए अध्यापकों के सामने अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य कितना सही है, इसकी वे पुष्टि करने की कोशिश सदैव करते रहते हैं। एक छोटी सी मोटे तौर पर इसे भी हम प्रोजेक्ट विधि ही कह सकते हैं।
बशर्ते कि यहाँ पर जो है अध्यापक के द्वारा सवाल उठाया जाता है, प्रश्नों के उत्तर जो है छात्र कर लिए जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट विधि में छात्रों के द्वारा ही सवाल पूछे जाते हैं, छात्रों के द्वारा ही सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए एक योजनाएं बनाई जाती है और उस योजना के तहत जो है ये सारा काम जो है चलते रहता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूरे किया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट विधि से हमें इससे हमें क्या तात्पर्य मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है। योजना यानी प्रोजेक्ट विधि को, प्रोजेक्ट विधि वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्व किया जाए, यानी वह एक समस्या मूलक कार्य है। योजना जो है वह एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूरे किया जाता है, पूर्ण किया उसको जाता है, उसको अंतिम रूप दिया जाता है। यानी समस्या का एक कार्य है, समस्यात्मक कार्य है वो, जिस कार्य को हम कक्षा कक्ष के छात्रों के द्वारा ही सॉल्व करने का प्रयत्न हम लोग उसमें करते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट विधि जो है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात एक विधि है, एक योजना है, वह है डाल्टन योजना। इससे पहले भी हम लोगों ने कहा था डाल्टन किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्कर्स ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। मतलब डाल्टन योजना 1912 से और 1915 तक के चले इस कार्यकाल में अमेरिका के डाल्टन शहर में यह सारा कुछ चलता रहा। और इसकी जो जन्मदाती हैं वह है कुमारी हेलेन पार्कर्स ने इसका इन्वेंशन किया था। तो डाल्टन योजना उसे कहते हैं जो कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। कक्षा कक्ष में कई प्रकार के छात्र होते हैं, कुछ छात्रों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है तो कुछ छात्रों की बुद्धि लब्धि औसत से भी कम होती है। इसलिए जो छात्र औसत से भी कम हैं, उन छात्रों के लिए हम किस प्रकार के शिक्षा पद्धतियों का अवलंबन कर सकते हैं, यह भी एक अध्यापक होने के नाते हमें सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि डाल्टन योजना का मुख्य उद्देश्य वह है कि कक्षा शिक्षण के समय जो दोष निर्माण हो रहे हैं, जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उन दोषों को मिटाने के लिए हमें कौन कौन से हथकंडे अपनाने होंगे, हमें कौन कौन से विधियों का अपनाना होगा जिसके कारण उस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए इस पद्धति का, इस डाल्टन योजना पद्धति का आविष्कार यहां पर हुआ था। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। इसमें जो कक्षा भवन में जो कुछ भी कार्य करने की जो प्रचलित पद्धतियां थी वे अब कक्षा कक्ष में नहीं होती बल्कि वे जो है प्रयोगशाला में होते हैं, लैब्स में होती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी होते हैं। मतलब डाल्टन योजना से संबंधित कोई चर्चा हम कर रहे हैं या फिर कोई समस्या जूझ रही है पाठशाला में, तो वहां पर एक बात को याद रखना है कि जो समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या का हल करने के लिए कक्षा कक्ष में नहीं बल्कि लैबोरेटरी में जाकर, मतलब प्रयोगशाला में जाकर इसका समाधान ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिससे हम उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, जो भी मतलब सामग्री है वो पूरा जो है मंगा सकते हैं, रहते भी हैं, उनका उपयोग करके उस कक्षा कक्ष में चल रहे उस समस्या के समाधान का हम उधर निर्वाह करके निकालते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता, उनके कार्यों का संशोधन तथा जांच करता है।
मतलब ये अभी प्रयोगात्मक रूप से अगर हमें करना है, समझिए ये कक्षा कक्ष में तो होगा नहीं, बल्कि हम इसके अपनाने के लिए, इसका क्रियान्वयन करने के लिए प्रयोगशाला में चले जाते हैं। प्रयोगशाला में अध्यापक छात्रों की सहायता लेकर, छात्रों की सहायता करता है, उनके द्वारा चर्चा करते हुए, उनके द्वारा नई नई बातों को समझाते हुए, वे जो है एक दूसरे का मदद करते हुए इस डाल्टन योजना को हम लोग अमल में लाते हैं। साथ साथ उन कार्यों का संशोधन तथा जांच भी करता है अध्यापक। अध्यापक डाल्टन योजना का जो विशेषज्ञ होने के नाते जो है, वह हमेशा अपने द्वारा किए गए विषयों का संशोधन करते रहता है और जांच भी करते रहता है। वर्ष भर का कार्य 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। डाल्टन योजना में हर विषय से संबंधित जो है एक परियोजना कार्य असाइनमेंट दिया जाता है, और यह जो असाइनमेंट है, यह जो परियोजना कार्य है, यह परियोजना कार्य जो है छात्र को उसके द्वारा किए जाने के लिए दिया जाता है, और इसका संशोधन भी किया जाता है। उसमें एक वर्ष भर के जितने भी कार्य थे उन सभी को 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित कार्य, मतलब असाइनमेंट के रूप में उसको दे दिया जाता है। साल भर में जितना भी पढ़ाया गया विषय है, जितने भी पढ़े गए एक्टिविटीज हैं, जितने भी विषय समझाए गए हैं, उन सभी को केवल 9 या 10 भागों में बांटकर निर्धारित की जाती है, जो कि असाइनमेंट के रूप में दी जाती है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशाला में जाकर पूरा करते हैं। अब वहां पर उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब इस कार्य को आप यहीं पर बैठकर करना है। कुछ कार्य वहीं पर बैठकर करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ कार्य आप वहां से थोड़ी दूर या कक्षा में या कहीं और जाकर भी आप जो है उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इसमें वही बता रहा है कि निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार भिन्न प्रयोगशाला में जाकर पूरा करता है। कार्य उसके बाद देखिए, कार्य अनुवितियों में बंटा रहता है। जितनी अनुविति का कार्य पूरा हो जाता है उतनी ही उल्लेख उसके रेखापत्र पर किया जाता है। मतलब जितने भी मतलब उसके पास प्रश्न आएंगे अनुवितियों को उसमें बांटा जाता है। जितने अनुवितियों को वो कार्य पूरा करेगा, मतलब जितने पन्ने लिखेंगे उतना आपका काम हो रहा है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसलिए जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका भी वहां पर रिकॉर्ड रखा जाता है। किन किन समस्याओं को आपने ढूंढ कर निकाला है, कितने समस्याओं को आपने परिष्कृत किया है, इन सभी की चर्चा जो है आपके विशेष ग्राफ कार्ड रेखा पत्र पर जो है वो सदैव करते रहते हैं। यह डाल्टन योजना में चलाई जाने वाली एक विशेष बात है। एक मास का कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया जाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उसके लिए कि उसके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर रहती है। मतलब आप एक कार्य को जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आपको दूसरा कार्य नहीं सौंपा दिया, नहीं सौंप दिया जाएगा आपको। यानी यदि आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक पूरे करते हैं तब भी आपको दूसरा कार्य दिया जाएगा। और आपके मतलब इस प्रकार छात्र की उन्नति के लिए जो कार्य किए गए हैं वे जो है आपके किए जा रहे कार्यों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। इसलिए हमेशा जो है डाल्टन पद्धति का उपयोग करते समय देखना है कि कक्षा कक्ष में हम छात्रों को एकत्रित बैठकर भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कह सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रूप से भी उसको कर सकते हैं। लेकिन कहीं छात्र इसके नाम पर डाल्टन योजना की विधियों को अपनाते समय किसी दूसरे काम को तो वो नहीं कर रहा है, इसकी भी हमें पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। डाल्टन पद्धति में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है। मूल स्रोतों से अध्ययन करने के कारण उसमें स्वावलंबन भी आ जाता है। इसमें किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए जाते। निर्धारण निर्धारित समय या निर्धारित विषय या निर्धारित चीजों का जो है उसमें उल्लेख नहीं रहता। आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरह से कार्य करो या कार्य करने की आप जिज्ञासा रख सकते हो। मूल स्रोत जो होते हैं अध्ययन करने के लिए, तो उसके कारण
उसमें जो है हम स्वावलंबन भी बता सकते हैं। इसलिए वहां पर जो है जब छात्र अपने अनुभव के द्वारा सीख रहा है, जब अपने अनुभव को उसमें इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है, तो वह कार्य जो है बहुत ही मजबूत होगा, वह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया होगा, क्योंकि उसमें छात्र किसी का देखकर नहीं लिख रहा है, बल्कि अपने अनुभवों को वो व्यक्त कर रहा है डाल्टन योजना में। इस योजना के अनेक रूपांतर हुए हैं, जैसे बटेविया, विनेटका आदि योजनाएं, डेक्रोली योजना यद्यपि इससे पूर्व की है, फिर भी उसके सिद्धांतों में डाल्टन योजना के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। यानी बटेविया, विनेटिका आदि जो योजनाएं हैं, ड्रेकोली योजना पद्धति जो है, ये डाल्टन योजना पद्धति के अनेक रूपांतर ही हैं, उसके एडवाइज्ड वर्जन ही हैं, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि ये जो विधाएं होती हैं उसमें निरंतर जो है परीक्षण चलते रहता है, उन परीक्षणों के परिणाम देखने के पश्चात उसमें निरंतर यह बदलाव लाया जाता है कि मतलब यह विधि या यह योजना छात्रों के लिए कितनी उपयुक्त हो रही है, क्या इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उन ड्रॉबैक्स को हम निचली कक्षा से लेकर आगे आने वाली कक्षाओं में उनको न करने के लिए हम कौन कौन से विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों को हम अमल में ला सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। उसके पश्चात है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महाविश्वविद्यालय भी है, इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी भी वहां पर है, वर्धा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको कुछ लोग जानते हैं। महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बेसिक मतलब बुनियादी शिक्षा, भी अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी थी। जब स्वतंत्रता के दौर से हम गुजर रहे थे, तब बुनियादी तालीम, वर्धा योजना या बुनियादी तालीम के नाम से यह जानता है, परीक्षार्थी ध्यान दे, बुनियादी तालीम को एक और नाम से पुकारा जाता है। ऐसे भी यदि प्रश्न पूछे जाए तो आप वर्धा योजना या फिर किसी दूसरे इसका भी देंगे, तो उसमें सही आंसर को पिकआउट करना जरूरी है। तो इसमें गांधी जी ने जो देश भर में चलाए जा रहे जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, उन आंदोलनों को ध्यान में रखकर, तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखकर हाथ के काम, पहले जो ये किया गया था, निषेध किया गया था कि मतलब प्राचीन देशों का या फिर अंग्रेजों के देशों के जो वस्तुएं हैं उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, तो उसके तहत जो है अपने हाथ से या फिर अपने द्वारा बनाए गए चीज़ों का या फिर वस्तुओं का इस्तेमाल करना इस विधा में या फिर इस योजना में जो है कार्य किया था। इसलिए वर्धा योजना या बुनियादी तालीम में गांधी जी, वर्धा और हाथ के काम, इन तीनों का जो ट्रायंगुलर रिलेशन है वो हमेशा बनाया रहता है, क्योंकि करके सीखना ऑलरेडी हमने सीखा है, उसके साथ साथ हाथ के काम मतलब अपने विद्यालय में जैसे हम पीडब्ल्यूडी वर्क्स बोलते हैं ना, उस प्रकार के कार्य को बढ़ावा देते हुए छात्रों को स्वावलंबन भी बनाना, नए विषय की जानकारी भी प्राप्त करना और अपनी जो सृजनात्मक शक्ति है उस सृजनात्मक शक्ति का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका जो है इसमें वर्धा योजना में विचार किया गया था। गांधी जी का विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञान होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। यहाँ पर ये अपने जीवन में लाभकारी ऐसी ये बातें हैं, क्योंकि सैद्धांतिक बातें हम जो किताबी बातें हम जो पढ़ते हैं उससे मनुष्य को अहंकार की वृत्ति होती है करके गांधी जी कह रहे हैं। और उनका यह भी कथन है कि जब तक उनका एक प्रगाढ़ विश्वास था, वह विश्वास यह कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। जैसे दसवीं कक्षा में एक कविता है कण कण के अधिकारी, मतलब जहां पर श्रम है वहां पर उस कार्य की पूरी कीमत चुकाई जा सकती है। आज हम देखते हैं कि मतलब कोई भी छात्र जो है अपने हाथ से काम नहीं कर रहा है, सोच विचार करने की भी जो पद्धति है उसमें बदल गया है। यदि आप परियोजना कार्य देते हैं तो सीधे जो है वो अंतरजाल में जाकर निकाल कर आपके सामने फेंक देता है।
यह जो पद्धति है, इस पद्धति को अमल करने से उसमें कुछ हम बदल ला सकते हैं क्या, ये हम आज भी सोच सकते हैं? क्योंकि कालांतर में ऐसी ही विधियां आकर जो है हमें अलग अलग तालीम देकर चले जाने से उसमें के कुछ ही बातें हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा हिम्मत रख सकते हैं। इसलिए वर्धा योजना जो है बुनियादी तालीम के तौर पर जानी जाती है और उसमें यह निश्चित रूप से बताया जाता है कि सैद्धांतिक जो बातें होती हैं उस सैद्धांतिक बातों के कारण व्यक्ति या मनुष्य अहंकारी और निष्क्रिय बना देता है या बन जाता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्तकौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई है। मतलब हस्तकला से संबंधित क्राफ्ट टीचर्स हो या फिर क्राफ्ट मटेरियल हो, उसके माध्यम से हम छात्रों को कुछ शिक्षा दे सकते हैं क्या? इस पर जो है हम बच्चों को प्रारंभ से ही एक योजना के तहत बनाकर देने की आदत डालनी चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि मतलब वर्धा योजना आज भी इम्प्लीमेंटेशन में है, जिसे हम पीडब्ल्यूडी वर्क्स के अंतर्गत आता है। मतलब छात्रों के द्वारा बनाए गए ऐसे कई वस्तुएं होती हैं जिनका अनुसरण हम लोग करते रहते हैं कक्षा कक्ष में या फिर बाहर भी। कुछ छात्रों में जो है मूर्तियां बनाने की कला निहित होती हैं जन्म से ही, कुछ छात्रों को चित्रकारिता में महारत होती है। ऐसे छात्र अपने द्वारा बनाए जा रहे उन विशेषताओं को छात्रों के माध्यम से हो या फिर कक्षा कक्ष के माध्यम से हो या फिर सीधे सीधे बाजार में ही सही, उसका क्रय विक्रय करके भी हम अपने विषय को जो है मजबूत बना सकते हैं। इसलिए आरंभ से ही छात्र को किसी न किसी एक विषय में निपुण बनाने की भी हमें सोचनी चाहिए। और वे कहते हैं जो पहले चरखा लेकर हमेशा कताई बुनाई का काम करते रहते थे, वह जो काम है वह लगभग 3/4 भारत देश के वासियों का था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। न तो चरखे हैं, न तो चरखा चलाने के जानने वाले लोग हैं। इसलिए यहां पर आते आते जो है बुनियादी तालीम की जो बुनियादी बातें हैं, ये बिल्कुल बुनियादी बातें ही हैं, जो 1/3 जो लोग इस कार्य में डूबे हुए हैं उसके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्तकौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। बेसिक शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बुनियादी शिक्षा को जो है उन्होंने इन दोनों बातों को, मतलब छात्र को हमेशा कुछ बुनियादी शिक्षा देनी चाहिए और उसके द्वारा दिए गए बातों को हम लोग सबके सामने जो है बता देने चाहिए, ताकि उसकी प्रशंसा भी हो और उसकी तरह कुछ और लोग जो है उसे करने में हाथ बटा दें। तो यहाँ पर उन्होंने दो हस्तकलाओं को बताते हुए बेसिक शिक्षा की प्रमुख कुछ विशेषताएं बताई हैं। वे विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। पहली जो बुनियादी तालीम की जो विशेषता है वह है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। हम भाषा का विकास, उसकी परिभाषाएं, मातृभाषा, ये सब पढ़ते समय हमने देखा था कि मतलब मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों जरूरी है, इनकी ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत से पहले ही जो है उसका हमने चर्चा की थी। इसमें जो विशेषताएं हैं वे हैं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। हालांकि ये 7 से नहीं बल्कि 6 से अब इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, ये ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल में है। हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा, कहीं कहीं पर क्राफ्ट टीचर्स से संबंधित ये कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, कुछ अब पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें छात्रों को जो निरुपयोगी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं से नई नई पुनः उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को बनाने की उनमें एक कला होती है, उस कला को प्रोत्साहन देना। और पहला है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। छात्रों को दी जाने वाली जो शिक्षा है उसकी पद्धति जो है, उसकी विधाएं जो है, वह सबसे पहले छात्रों को उनके मातृभाषा में देनी चाहिए। ये उसके कुछ विशेषताएं हैं, ये उसके कुछ नियम है वर्धा योजना के, या आप कह सकते हैं बुनियादी तालीम के। मातृभाषा के शिक्षण में माध्यम में शिक्षा, हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा और 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। देखिए, हम सभी को 6 से
14 वर्ष तक आयु के लिए राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है करके पता है, लेकिन सवाल जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा अमल में लाया गया था, या फिर कब अमल में लाया गया था, या फिर इसे किस नाम से जानते हैं, या फिर यह किसकी विशेषता है करके भी हम लोग सोच सकते हैं या फिर पूछा जा सकता है। तब जो है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम योजना या फिर किसी और नाम से अगर इसको न जानते होंगे तो ये दो नाम जो है उसमें देंगे, आपको उसका उच्चारण या उसका टिक मार्क जो है करना होगा। वर्धा योजना बुनियादी तालीम के अंतर्गत जो चौथी विशेषता है वह है शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। मतलब इसमें एक टारगेट भी रखा गया है कि मतलब शिक्षा स्वावलंबी हो, खुद के पैर पर खड़े रहने की उसमें हिम्मत आनी चाहिए। मतलब कम से कम अध्यापकों का जो वेतन है, जो उनके सैलरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तनख्वाह जो देते हैं, वे छात्रों के द्वारा बनाए गए उन वस्तुओं को बेचकर बिक्री से आए जाने वाले आय से नापी जाए। मतलब इतनी आय होनी चाहिए कि उससे छात्र और अध्यापक दोनों की जो बातें हैं वो चलती रहे। इस सिद्धांत का बड़ा ही विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा में से हटा दिया गया। यह जो सिद्धांत था, यह जो तालीम थी, यह जो योजना थी, इसका कई लोगों ने विरोध किया और यह जो है बेसिक शिक्षा से जो है अंत में हट गई। इसका कारण बहुत सारा माना जाता है, क्योंकि यह केवल छात्रों को पढ़ने पर नहीं बल्कि अपने द्वारा किए जा रहे उस विशेष कार्य के प्रति ही रुचि उत्पन्न लाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि छात्र जब कक्षा कक्ष से बाहर बैठकर कोई अन्य काम कर रहा होता है, तब वह जो है हमेशा अपनी पढ़ाई को छोड़ अन्य बातों में, जैसे क्राफ्ट्स की चर्चा हो रही है तो उसी में लगा रहने के उसमें सबसे पहला डर होता है। इसलिए इसे विरोध किया गया और उस विरोध करने के कारण यह जो पद्धति है अब उस रूप में नहीं अपनाई जाती जिस रूप में अपनाने की सिफारिश उन लोगों ने की थी। आज हम CUPW तो ऐसे बातों को जो है आज भी हम लोग इस्तेमाल लाते हैं, भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा देर से हो, लेकिन उनके उन विचारों को ही हम यहां पर ले रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए उन मार्गों पे ही हम चलने का प्रयास कर रहे हैं जो वर्धा शिक्षण योजना के अनुसार हम लोगों को उन्होंने बताए थे। अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पंगु बना दिया है कि वे हाथ से काम करना है ये मानते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो पाश्चात्य संस्कृति, खासकर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई हुई संस्कृति, अधिकांश शिक्षित वर्ग उनके ऐसे हैं कि यहां पर हाथ से काम करना हे माना जाता है। अपने द्वारा बनाना है कुछ काम को तो अपने ही द्वारा करते हुए अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो वो उसे जो है हे ये मानते हैं, उसको गलत नजर से देखते हुए उसको करते हैं। इसलिए ऐसे कई कारणों से जो है इस विधि का जो है हमको विरोध करना पड़ा। तो वर्धा योजना के अंतर्गत हमने यह सब देखा कि अंग्रेजी शिक्षा ने जो है हमें बिल्कुल पंगु बना दिया है, क्योंकि इसमें हाथ से काम करने को बड़ा है समझा जाता है, लेकिन यह बात गलत है। हम हमारे हाथों से जो काम नहीं कर सकते हैं, जब हम भोजन करने के लिए है नहीं समझते हैं, तो अपने कक्षा कक्ष में या फिर अपने विद्यालय में चलाए जा रहे कामों को करना है क्यों समझा जाए। ऐसे अनगिनत कारणों की वजह से जो है उसको आज हम विरोध करना पड़ा था। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई, जिससे यह शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिए रह गई, अतः यह धीरे धीरे असफल होती जा रही है। तो जिनके पास अधिक धन है, जिनके पास अधिक पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को लगने लगा कि हम इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी क्या हमारे बच्चे ऐसे मतलब घटिया काम करेंगे, SUPW जैसे काम करेंगे। तो इस वजह से, ऐसी मानसिकता के कारण आज वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा तालीम को हम अपने पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटाने के लिए देख रहे हैं। तो शिक्षा केवल निर्धन लोगों के लिए ही नहीं,
और ना ही धनिक लोगों के लिए नहीं। शिक्षा का कार्य है सबको उसी रूप में देना जिस रूप में उसका देने का हक होता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अमीर हो तो मतलब दूसरे ये करेंगे, आप गरीब हैं मतलब दूसरा कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं। शिक्षा का विकास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सब लोगों का सर्वांगीण विकास करना। इसलिए बुनियादी तालीम को जो है यहाँ पर नाना प्रकार के लोगों के ताने बाने सुनने के कारण जो है आज उस पद्धति को हम लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, बिल्कुल असफल होते जा रहे हैं उस विषय में। तो एक निष्कर्ष रूप से हम लोग यह कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन से, मतलब ये जितने भी मतलब विधियां हो या पद्धतियां हो, इन सब का हमने जो ये किया था, वाचन किया था, चर्चा की थी, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण विधियां कई सारे हैं। हो सकता है हमने जो ये शिक्षण विधियां देखे हैं उनसे भी कई और भी होंगे। जो मेरा तो प्रयास, मतलब हमारा प्रयास इतना ही रहा कि जितने भी मतलब शिक्षण विधियों का हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, उन सभी के विषयों को थोड़े में ही सही हम उसका विवरण आपको दें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मतलब शिक्षण का वे जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं होता है करके एक बात मन में बैठ जाती है। तो शिक्षण विधियां कई हैं, सबका परिवर्तन होते रहता है। किसी न किसी मतलब परिस्थिति में शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इसको हटा दिया जाता है या फिर किया जा कर दिया जाता है। तो कई सारे शिक्षण पद्धतियों को हम देखते हैं। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी शिक्षा विधि होती है जिससे वह छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। यह बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही है कि हर एक अध्यापक के पास अपनी अपनी एक शिक्षा पद्धति होती है, अ वे ऑफ टीचिंग उसकी अलग अलग होती है। हाँ, मानते हैं कि मतलब इन सभी पद्धतियों को वो जानता तो है, उन सभी पद्धतियों के बारे में वो पूरी जानकारी भी रखता है, लेकिन जब कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन करना होता है तो वो अपने एक विशिष्ट पद्धति का अवलंबन कर छात्रों को अध्यापन कराता है। क्योंकि वो उनकी रुचि, वातावरण, उनकी योग्यता, क्या वे कक्षा कक्ष में पढ़ाए जा रहे भाषा को समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके बेटे को कक्षा में ठीक से नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, यदि वे वहाँ पर कक्षा कक्ष में आकर किसी को कुछ कह दें कि मतलब आपको इस प्रकार की समस्याओं का कैसे हल करना है, कैसे करोगे, तो उन्हीं के सामने हम ये बता सकते हैं कि एक घर की परिस्थिति भी कारण हो सकता है, या सामाजिक वर्ग में वो मिलकर न रहने के कारण भी हो सकता है। ऐसे कई प्रकार की मतलब उसकी योग्यताएँ, अयोग्यताएँ, उसके मानसिक स्वास्थ्य, ऐसे कई परिस्थितियों से जूझते हुए जो है वह कक्षा कार्य में काम करने के लिए चलता है। जो विविध मतलब जो विधि जिसके लिए अधिक उपयोगी हो वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। हमने जितने भी मतलब विधियों का अध्ययन चर्चा किया था उसमें ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता कि मतलब ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्योंकि कक्षा कक्ष के अध्ययन अध्यापन में और इस एजुकेशन सिस्टम में जो है हम यह अभी तक निर्धारित नहीं कर पाए कि मतलब कौन सी विधि छात्र को अधिक लाभकारी होगी या कौन सी विधि में छात्र को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होने में मदद मिलेगी। इसके बजाय उन्होंने कहा जो विधि जिसके लिए जितनी अधिक उपयोगी होती वह उसके लिए उतनी ही सर्वश्रेष्ठ होगी। इसलिए अपने वातावरण को, उसकी आवश्यकता को, समय को, संदर्भ को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जिस पद्धति का हमें अवलंबन करना है उस पद्धति का अवलंबन यदि हम करते हैं तो वह अपने आप में साबित हो जाएगा। यह जो है इस पाठ का निष्कर्ष के रूप में। उसके पश्चात है प्रत्यक्ष विधि या पद्धति। इस पद्धति को संभाषण पद्धति भी कहते हैं। देखिए, संभाषण पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति या फिर प्रत्यक्ष विधि भी इसको कहते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में इस भाषा शिक्षण पद्धति का आरंभ हुआ। भारत में इस पद्धति का आगमन काफी देर से हुआ।
देखिए पाश्चात्य देश शिक्षा से लेकर हर लगभग वे सभी बातों के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि वे लोग शिक्षा को उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने जीवन मान को। प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष पद्धति जो है, इस पद्धति को संभाषण पद्धति भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में इस भाषा शिक्षण पद्धति का आरंभ हुआ। भारत में इस पद्धति का आगमन काफ़ी देर से हुआ ऐसा माना जाता है। पाश्चात्य देशों में जो शिक्षा से संबंधित जो कार्य है वह उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ दिखाई देता है। उसकी तुलना में यदि हम भारत को लें तो यहाँ पर भाषा से संबंधित या फिर शिक्षण से संबंधित जो नए नए आविष्कार हैं या फिर नई जो योजनाएं हैं वह पाश्चात्य से ली हुई या फिर पाश्चात्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर क्रियान्वित की गई ऐसा माना जाता है। पर ऐसी बात नहीं है, भारत में ही कई ऐसे नए नए शिक्षा पद्धतियों को अवलंबन किया गया था जिनका सफलता से यहाँ पर कार्यनिर्वहन किया जा रहा है, जिसमें सभी को शिक्षा का अधिकार, छात्रों को मध्यान्ह भोजन की सुविधाएं, ऐसे कई पद्धति के जो विशेष कार्यक्रम थे जो केवल भारत के माध्यम से ही सभी को परिचित हुए हैं। तो इस लिहाज से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का अवलंबन करना यह करता है भारत देश, यह कहना थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है। तो प्रत्यक्ष पद्धति में हम आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति का अर्थ होता है जिस ढंग से बालक अपनी मातृभाषा सीखता है उसी तरह बालक एक नई भाषा को सीखें, इसलिए इसे प्राकृतिक पद्धति नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रत्यक्ष पद्धति को प्राकृतिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक पद्धति का एक और नाम क्या है या फिर प्राकृतिक पद्धति और किस नाम से पहचानी जाती है या प्रत्यक्ष पद्धति किस नाम से पहचानी जाती है। तब हमें जो है यदि प्रत्यक्ष पद्धति पूछते हैं तो प्राकृतिक पद्धति करके उत्तर को चयन करना होगा, या प्राकृतिक पद्धति का नाम देते हैं तो प्रत्यक्ष पद्धति का चयन हमें करना होगा। मतलब ये प्रत्यक्ष पद्धति का अर्थ क्या है, तो इसमें दिया गया है जिस ढंग से बालक अपनी मातृभाषा सीखता है उसी तरह बालक एक नई भाषा को सीखें। मातृभाषा का शिक्षण हमें कक्षा कक्ष में जाकर देने की जरूरत नहीं होती है। बालक अपने माता पिता, अपना घर परिवार, इन सभी से अनायास रूप से मातृभाषा सीख लेता है। तो जिस प्रकार से बालक मातृभाषा सीखता है अनायास रूप से, उसी प्रकार बालक एक नई भाषा को सीखना, वह सीख लेना उसमें से कि हम एक अपनी मातृभाषा को छोड़कर एक नई भाषा को मुझे सीखना है, वो सीखें करके प्रत्यक्ष पद्धति इसका प्रमाण बताती है। इससे प्राकृतिक पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि प्रकृति में विचरित करते हुए अपने आप के अनुभव से एक नई भाषा का ज्ञान करना, यह प्रत्यक्ष पद्धति में आता है। उसके पश्चात यदि हम देखें इस पद्धति का जो उपयोग है, सबसे पहले इसका उपयोग पामर और फ्रिज ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया। इस पद्धति में भाषा की पढ़ाई वार्तालाप द्वारा आरंभ होती है। प्रश्न फिर से ऐसा बन सकता है कि किस पद्धति में भाषा की पढ़ाई वार्तालाप से शुरू होती है। बहुत ही उम्दा प्रश्न बनता है, इसमें बहुत ही अच्छा सा सवाल इसमें बन सकता है कि ऐसी कौन सी वो पद्धति है जिसमें भाषा की पढ़ाई की शुरुआत वार्तालाप से होती है, या फिर प्रत्यक्ष पद्धति में भाषा की पढ़ाई किसके द्वारा शुरू होती है, यह भी एक प्रश्न बन सकता है, या फिर प्राकृतिक पद्धति में भाषा की पढ़ाई कब शुरू की जाती है। ऐसे कई प्रकार के सवाल जो है हम लोग अपने आप से जोड़ सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। एक बात हमेशा एक बात याद रखना है कि जब भी हम प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न का स्वरूप जो है उसे हम अपने आप से ढालने की कोशिश करना है, जिससे कि जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसे पढ़कर हमें ज़्यादा कठिन न लगे।
हम ही कठिन से कठिन प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर जो है उसके जो अर्थ को है हम उसमें से लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से ज़रूर फायदा होगा। तो ये जो पद्धति है प्रत्यक्ष पद्धति, इसका सबसे पहला जो उपयोग है वह पामर नामक एक अंग्रेजी भाषा शिक्षक थे और फ्रिज नामक दूसरे एक अंग्रेजी भाषा शिक्षक थे, उन दोनों ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया था। इस पद्धति में भाषा की पढ़ाई एक वार्तालाप द्वारा होती है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब पामर और फ्रिज इन दो शिक्षा शास्त्रियों ने किस पद्धति को सबसे पहले उपयोग में लाया था? प्रश्न फिर से एक बार सुनिए। पामर और फ्रिज नामक अंग्रेजी अध्यापकों ने, अंग्रेजी भाषा शिक्षकों ने किस पद्धति को अपनाया था? आपका उत्तर होगा प्रत्यक्ष पद्धति, या फिर एक और पद्धति के नाम से यह जाना जाता है वह है प्राकृतिक पद्धति। दोनों में से किसी एक को भी आप चयन कर सकते हो। उसके पश्चात व्याकरण अनुवाद पद्धति। व्याकरण हम सभी को पता है, ग्रामर, अनुवाद, तर्जुमा करना, ट्रांसलेट करना, इसे परोक्ष पद्धति भी कहते हैं। देखिए परीक्षार्थी, इसमें ऐसे कई पद्धतियां हैं या फिर ऐसे कई विधाएं हैं जिन्हें दो दो या तीन तीन नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी कोई हम प्रश्न बना रहे होते हैं तब ऐसे प्रश्नों का हमें बहुत ही आसानी से और सरलता से और बड़े ही चालाकी से इसका आंसर देना होगा कि वह जो है किस पद्धति से पूछा जा रहा है। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति को जो है एक और नाम से भी जानते हैं, वह है परोक्ष पद्धति। इस पद्धति के द्वारा किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। यह बहुत अच्छी पद्धति है। हम जैसे मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा के माध्यम से यहां पर व्याकरण पद्धति में आपको एक नई भाषा का ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए इस पद्धति के द्वारा किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जा सकता है। विद्यार्थी को पहले व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं और व्याकरण अनुवाद जो पद्धति है उसमें सबसे पहले छात्रों को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पत्र था उसमें भाषा से संबंधित बातें तो हम लोग देखते हैं, खासकर जो ग्रामर की बात आती है, भाषा की बात, उसमें ऐसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिनका मतलब हमें ज्ञान नहीं होता है या फिर हड़बड़ी में हम लोग नहीं दे सकते। इसलिए व्याकरण अनुवाद पद्धति के माध्यम से कई सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इसमें इस पद्धति के द्वारा किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, यह भाग भी हो गया था। उसके पश्चात एक और पद्धति है शब्द परिवर्तन पद्धति। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। नई भाषा सीखते समय सभी जगह अनुवाद तथा प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते। यह बात ठान लें कि जब भी कोई हम नई भाषा सीख रहे हैं तब हर समय और जहां पर भी हो वहां पर हम अनुवाद करते हुए नई भाषा को नहीं सीख सकते, या फिर प्रत्यक्ष रूप से जो भाषाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं उसका हम लोग निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नई भाषा सीखते समय भी सभी जगह अनुवाद तथा प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते। बहुत ही कठिन समय में और किसी अन्य पद्धति को अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम अगर रूटीन एक ही सवाल या एक ही प्रकार के अध्ययन कक्षा में अगर कराते रहें तो छात्र जो है ऊब सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मतलब किसी भी अन्य पद्धति को अपनाते हुए हम बहुत ही कठिन समय पर आने सर उसके एक नए बात को हम लोग ध्यान देना है। तो यह जो शब्द परिवर्तन विधि है, अनुवाद तथा प्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते इसमें।
ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम लोग उस भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में शब्द परिवर्तन विधि के अंतर्गत देखिए यह पद्धति बहुत ही उपयुक्त है। इसमें एक आदर्श वाक्य को चुना जाता है, फिर उसमें एक शब्द मूलाधार बनाकर रह जाता है, अन्य शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग वचन या कारक के द्वारा हो जाता है। शब्द परिवर्तन विधि की जो सैद्धांतिकता हमने पढ़ी वह पढ़कर थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है या फिर वो थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन यह जो भाषा है इस भाषा को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, इस पद्धति को पहचानने का, वह यह कि उसमें से एक शब्द मूलाधार बनकर रह जाता है, अन्य शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग वचन या कारक के द्वारा हो जाता है। हम सभी को पता है कि मतलब कारक क्या है, वचन क्या है, समास क्या है, हाँ, इन सभी का जो है कालांतर में उसका परिमार्जन होना या फिर दिए गए वाक्य में जो मूलाधार शब्द होता है उसमें लिंग वचन कारक के अनुसार बदल हो जाना, यह भी दृष्टिगोचर होता है। इसलिए यह जो विधि है वह अपने आप में थोड़ी सी विशिष्ट होते हुए भी कम उपयोगी नजर आती है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो मुझे स्कूल जाना चाहिए, यह एक वाक्य है और हमारा नियम क्या था, दिए गए वाक्य में से किसी एक शब्द को हम मुख्य या फिर अपने स्थिर स्थान पर जो है रखें और बाकी का जो है इधर उधर हम लोग मिसप्लेस कर सकते हैं। इस वाक्य में चाहिए शब्द स्थिर रहेगा, चाहिए, मुझे के स्थान पर उसे स्कूल जाना चाहिए, उन्हें स्कूल जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, मतलब एक ही शब्द को हम स्थिर करके रखने से केवल दूसरे शब्द के बदल जाने से उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन यह जो है मुझे स्कूल जाना चाहिए, इस वाक्य में देखिए चाहे जो शब्द है वह इच्छार्थक है, व्याकरण की अगर हम बात करें, फिर भी तो यहाँ पर जो है कई सारे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति को आदेश विधि भी कहते हैं, फिर से एक नया नाम इसमें जुड़ गया है। शब्द परिवर्तन विधि को और किस नाम से जाना जाता है, शब्द परिवर्तन पद्धति को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आदेश विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आदेश देना। इसलिए यह जो पद्धति है अपने आप में विशिष्ट कहलाती है। उसके पश्चात पाश्चात्य शिक्षक थे डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट का जन्म, माफ कीजिए, डॉक्टर वेस्ट ढाका में प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य थे। प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी ट्रेनिंग कॉलेज। वे प्रत्यक्ष विधि द्वारा अंग्रेजी शिक्षण के विरोधी थे। डायरेक्ट मेथड से जो हम अंग्रेजी का शिक्षण दे रहे हैं छात्रों को कक्षा कक्ष में, उसके डॉक्टर वेस्ट जो है विरोध करते थे, कड़ा विरोध करते थे। इसे नवीन विधि के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, नवीन विधि, अ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। इस प्रकार हम जो है डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में भी जानते हैं। इनके अनुसार मतलब डॉक्टर वेस्ट मेथड के अनुसार या फिर डॉक्टर वेस्ट के अनुसार वाचन, लेखन तथा वार्तालाप की शिक्षा अलग अलग समय में अलग अलग विधियों द्वारा दी जानी चाहिए। मतलब यह एक पाठ में इन तीनों विषयों का साथ साथ अभ्यास कराना अनुचित है। डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि अलग अलग विधियों द्वारा दी जाने वाली जो पाठ्यक्रम है उसमें वाचन, लेखन तथा वार्तालाप की शिक्षा का अलग अलग समय में देना जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रतिभाशाली छात्र, मतलब एक बार अगर कुछ भी दे दें तो उसको तुरंत वो पढ़ने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ाया जाए, बल्कि वह पद्धति गलत है। वह पद्धति जो है उतना अनुचित, उचित नहीं है, अनुचित होगा करके वो बता रहे हैं। इसलिए
एक ही पार्ट में इन तीनों विषयों को या फिर इन तीनों विभागों को जो है अभ्यास नहीं कराना चाहिए। एक दिन एक कक्षा में एक ही विषय के बारे में हम जानकारी कराएं। ऐसा नहीं कि मतलब दसों कक्षाओं में दसों विषय जिसके पीछे वो पीछे पड़ा हुआ है वो, ऐसा नहीं। हर दिन कोई एक विषय या दो दिन कोई एक विषय, उसके पश्चात जो गांव में होते हैं वो लोग देखते रहना है। इसलिए माफ़ कीजिए, तो वार्तालाप की जो शिक्षा है अलग अलग समय में देना चाहिए, और छात्रों पर जो है हम निगरानी रखनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि मतलब छात्र हमारे द्वारा दिए गए बातों को ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा यदि न होने के पक्ष में, ऐसा न होने के पक्ष में हम जो है उसको थोड़ा सा दिशा निर्देशन करके उसके स्वाभाविक या भौगोलिक कारण, उसके गांव का माहौल या फिर उसके परिवार का माहौल, सुशिक्षित है या अशिक्षित है या ऐसे कई कारणों से जो है वो इस प्रकार की हरकतें कर सकता है। इसमें डॉक्टर वेस्ट मेथड के पद्धति को हम लोग अपना सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा सा बोझिल भी नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए हम छात्र को एक ही कक्षा में या फिर एक ही दिन में तीन चार अलग अलग भाषाओं को या फिर तीन चार अलग अलग विषयों को यदि पढ़ाते हैं तो छात्र किसी एक ही विषय में पूरी तरह से समर्थ बनेगा, बाकी अन्य शब्द इसमें जो है वह निरर्थक साबित होगा। इसलिए हम जो है अलग अलग विधियों द्वारा केवल एक लेखन का हो या फिर वाचन का हो या तथा वार्तालाप का हो, किसी भी बात का हो, हमें जो है एक कक्षा में एक ही बार उसका अध्ययन कराना सिखाना चाहिए। उसके पश्चात एक पद्धति आती है, गठन पद्धति। इस पद्धति में प्रत्यक्ष पद्धति के सभी गुण देखे जा सकते हैं। जो प्रत्यक्ष पद्धति में हमने चर्चा की थी वे सभी पद्धतियां या फिर वे सभी बातें जो है गठन पद्धति में आती है। क्यों? तो देखिए स्क्रीन पर है, इस पद्धति में प्रत्यक्ष पद्धति के सभी गुण देखे जा सकते हैं। इस पद्धति द्वारा एक नवीन भाषा पढ़ाते समय लिखे गए वाक्य की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें अलग अलग गठन का अभ्यास कराया जाता है, यानी इसमें सबसे पहली बात तो प्रत्यक्ष पद्धति के सभी गुण इस गठन पद्धति में मौजूद हैं। इस पद्धति द्वारा एक नवीन भाषा पढ़ाते समय या लिखे गए वाक्य की ओर ध्यान दिया जाता है, कोई भी विषय हो, तो ये जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है। उसके पश्चात है द्विभाषिक पद्धति। नई भाषा सिखाते समय अध्ययन अध्यापन पद्धति में जो बदलाव या उस पद्धति में जहां दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे मातृभाषा और सीखने की दूसरी भाषा, इसे द्विभाषिक पद्धति। जैसे यदि आप व्याकरण पढ़ लिए होंगे तो मतलब द्विभाषिक, यह कौन सा समास है, समास के अंतर्गत भी हमको जाना है, ठीक है। तो यह जो सिखाते समय जो है अध्ययन अध्यापन कराते समय दो भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, जिसमें एक मातृभाषा हो और दूसरी जो हम सीख रहे हैं, लर्निंग लैंग्वेज एंड मदर टंग, ये दो भाषाएं उसमें हो। यह पद्धति दोनों भाषाओं की समानता और विविधताओं पर निर्भर है। मतलब आप जिन दो भाषाओं को सीख रहे हैं, एक आपकी मातृभाषा है, और दूसरी सीखने वाली लर्निंग भाषा, तो उन दोनों भाषाओं पर आपका उतना ही प्रभुत्व होना चाहिए, उतना ही कमांडिंग होना चाहिए। यहाँ प्रसंग उच्चारण, शब्द संगठन या शब्द संग्रह, गठन आदि में समानता और विविधताओं पर विचार किया गया है। मतलब केवल उस भाषा का ज्ञान ही नहीं, बल्कि पूरे शब्द भंडार से लेकर उच्चारण से लेकर गठन तक जो है उसका आप पालन करना ही चाहिए। इसलिए यह जो है द्विभाषिक पद्धति के अंतर्गत आता है। तो इसके अतिरिक्त जो है ऐसे कई सारे पद्धतियां हैं जिनको हम समय अभाव के कारण हम लोग नहीं ले पा रहे थे, तो उसमें है कई सारे उपयोग करते हैं जिनके अतिरिक्त। ध्वन्यात्मक पद्धति, ध्वनियों के माध्यम से, ध्वनियों के परिवर्तनों के माध्यम से भाषाई कौशलों में कैसे बदलाव आता है या फिर भाषा में कैसे बदल दिखाई देते हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। चयन पद्धति, कई सारे वस्तुओं को, छोटे बालकों के लिए यह बता रहे हैं, कई सारे वस्तुओं को चुनकर उनसे जो एक चीज़ होती है, मतलब एक ही कैटेगरी की, एक ही विभाग की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम अलग करने की बात कह सकते हैं। यंत्र पद्धति, यंत्र पद्धति में जो है यह भाषा के विविध
अध्यायों को या फिर भाषा विविध आयामों को पढ़ाने में कारगर होता है। सैनिक पद्धति, जैसे एक सिपाही पूरे देश की रक्षा के लिए तैनात होता है और अपने प्राण तक को देने के लिए पीछे नहीं हटता, उसी प्रकार हमें जो है अपने इस भाषा के माध्यम से, सैनिक पद्धति के माध्यम से जो है हमको करना है। इसमें इस प्रकार से भी होता है कि मतलब जैसे सहायता करते हुए किसी नई बात को सीखना, उसके पश्चात अंतिम जो बात है वह है प्रचार पत्राचार पद्धति। मतलब जैसे हम करस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं, मतलब पोस्टल विभाग से जो है कुछ मटेरियल आता है, हम उसको पढ़ते हैं फिर परीक्षा लिखने चले जाते हैं। ये जो पूरे हैं विश्वविद्यालयीन विभाग में हो या फिर पाठशालाओं के विभाग में हो, किसी प्रकार के विभागों में पत्राचार व्यवस्था जो है चलती है। तो इस भाग में हमने मेथडोलॉजी, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आने वाली दूसरी इकाई, उसमें खासकर हिंदी भाषा शिक्षण पद्धतियां या फिर हिंदी भाषा विधियां करके यहाँ पर दिया गया है, उसके अध्ययन, उसके कई सारे बातों पर जो है हमने चर्चा की, जो दो विभागों में विभाजित थी, भाग एक और भाग दो। अभी जो हमने देखा वह भाग दो था, जिसमें कई सारे पद्धतियों का अवलंबन करके हम कक्षा कक्ष में अध्ययन अध्यापन का कार्य सरलता से कर सकें, ऐसी बात सीखें। एक नए विषय के साथ हम पुनः आएंगे, तब तक के लिए विराम। मैं पुनः कह दूं कि यह जो कार्यक्रम है आप टी सैट के माध्यम से देख रहे हैं, यदि किसी संभावनावश ऐसी किसी संदर्भवश यह कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और जो सुझाव है वो आप जरूर प्रेषित करिएगा। आपकी सफलता की कामनाओं सहित नमस्कार।